बताइए। मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बीडीसी का, मैं प्रशांत राज ठाकुर भारतीय जनता पार्टी बीडीसी सेल का कन्वीनर हूँ जम्मू कश्मीर का। रजौरी का जो कांड हुआ उसके बाद जो भारत सरकार ने एक फैसला लिया कि बीडीसी को और मजबूत किया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, और दूसरा ऑटोमेटिक वेपन दिए जाए, इसका भारतीय जनता पार्टी बीडीसी सेल जो जम्मू कश्मीर जो है उसका स्वागत करती है। दूसरी बात यानी कि जो बॉर्डर के जिले हैं उन पर बीडीसी की बहुत जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 20-25 सालों से मांग कर रही थी कि इसको और मजबूत किया जाए। आज भारत की सरकार ने इस पर फैसला, ये मानकर चलो फैसला लिया कि इसको सेटल करना चाहिए, और बॉर्डर एरियो में खास करके जैसे रजौरी के अंदर जो कांड हुआ, इस कांड को हम भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत बुरी दुर्घटना थी ये, और वहां पर बीडीसी होती तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालात देखने को मिलती है। तो इसलिए जो भारत सरकार ने, हमारे गृह मंत्री जी ने और एलजी ने और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने जो बात वहां पर रखी कि यहां पर यानी कि एक तो बीडीसी को बीडीजी या बीडीसी ने बीडीजी है इनको और स्ट्रेंथन किया जाए, और मजीद जहां जरूरत है बीडीसी की, जैसे हमारा बॉर्डर के एरिए है, चाहे वो पुंछ रजौरी है, चाहे वो सांबा है, कुठुआ है, कुठुआ का हिली एरिया भी है, बनी बसोली है, जम्मू का कुछ बॉर्डर का एरिया है, उन एरियो में बीडीसी की सख्त जरूरत है, बीडीसी बननी चाहिए। दूसरा हमारा कुठुआ का जो हिली एरिया जो बोला, उधमपुर का जो रियासी का एरिया है, उधमपुर का जो रामनगर का एरिया है, उस एरिया में बीडीसी की जरूरत है, और रियासी के अंदर भी जो हिली एरिया है, और खास करके तीन जिले जो हमारे जिन जिलों से मैं खुद आता हूँ, रामबन है, डोडा है, किश्तवाड़ है, उन एरियो के अंदर भी बीडीसी को और मजबूत किया जाए, और दूसरा यानी ऑटोमेटिक वेपन जो है ये एकदम दिए जाए। दूसरा मेरी निवेदन है आपके माध्यम से कि जो बीडीसी के जो लोग बने इनको जल्द से जल्द इनको आई कार्ड इश्यू करना चाहिए। दूसरा बीडीसी के लोग जो विलेज डिफेंस गार्ड है, इनकी ड्यूटी गांव में ही लगनी चाहिए, और कहीं गवर्नमेंट को जरूरत है, कहीं एक दो दिन या कहीं जैसे 15 अगस्त से 26 जो मैं मानता हूँ, आई रोजाना इनकी ड्यूटी थानों में नहीं लगनी चाहिए। ये भी मैं आपसे निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इनकी ड्यूटी वहां पर लगनी चाहिए। दूसरा जो बीडीजी का ऑर्डर हुआ है, जिन भी एसपीओ ने अभी तक उस क्या उनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं की है वो जल्दी करें, क्योंकि बाकी सांबा डिस्ट्रिक्ट ने भी कल इशू किया है वो सारा जो उनका जो है यानी कि कागजात तैयार कर दिए हैं, डोडा भी हो गया है, तो उधमपुर भी हो गया है, तो कठुआ भी हो गया ना, कठुआ भी बैलेंस है, तो मुझे लगता है रियासी बैलेंस है, तो रामबन भी हो गया और किश्तवाड़ भी बैलेंस है। मेरी ये निवेदन है आपके चैनल से कि जल्द से जल्द इनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट की जाए, ताकि इनकी सैलरी जो है कम से कम जनवरी महीने की इनको लगे। किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से राजौरी के अंदर जो कांड हुआ और जब चार लोगों की किलिंग हो गई, उसके बाद बीडीसी मेंबर ही थे बालकृष्ण जिन्होंने फायर किए, अन्यथा वो मिलिटेंट जो थे वो ऑर्गरों को भी निशाना बना सकते थे। देखिए रजौरी का हादसा जो है बड़ा दर्दनाक हादसा है, क्योंकि हम तो 90 से लेकर बीडीसी की मांग कर रहे हैं, आज तो चलो भाई सरकार है, आज तो इस पर क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, तो हम शुरू से कुछ लोगों ने बीडीसी नहीं पकड़ी, बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि बीडीसी पकड़ने का मतलब है देश की सुरक्षा को बढ़ाना। बहुत सारे लोग आज सवाल पैदा कर रहे हैं कि एक ही समुदाय के लोगों को दी जा रही, ऐसी बात नहीं है, जिस भी आदमी को जरूरत है सिक्योरिटी रिलेटेड उनको पहले बंदूक मिली है, आगे मिलेगी। यहां पर हिंदू मुस्लिम का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि इस किस्म की बातें बोलना मैं समझता हूँ नादानी है, क्योंकि देश की सुरक्षा की बात है। इस पर तो जितना भी हिंदुस्तान की सरकार करना चाहती है इसकी हमको सराहना करनी चाहिए, ये जरूरत है इस चीज की। सर 90s की अगर बात करें तो बीडीसी ने आतंकवाद को इस तरह से खदेड़ा था, एक अहम रोल अदा किया था, तो आपको नहीं लगता उस टाइम से लेकर अभी तक अगर और मजबूत किया जाता, उन्हें न्यू टेक्निक के वेपन दिए जाते, तो कहीं ना कहीं आज नजारा कुछ और होता, वो चार लोग छह लोग जिनकी जाने गई उसकी जगह आज आतंकवादियों की जाने जाती। देखो आपका बिल्कुल सही कहना है, देखो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो हर वक्त ये बात करते हैं, आप देख रहे हो रोजाना आप प्रेस मीडिया में जाते हैं कैसी कैसी बातें करते हैं, आप रोजाना देख रहे हैं, हम क्या करें, हम तो कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसे कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी मैंने बोला कि 90 से लेकर आज तक ये कंटिन्यू ये बात करती रही है, और आज भी कर रही है, आज सरकार के अंदर है तो इम्प्लीमेंट भी कर रही है,
बीडीसी लगभग बेचारे 25 साल इन लोगों ने काम किया, इसमें दो राय नहीं, इनकी बदौलत। मैं दावे से कहता हूँ बीडीसी की बदौलत जो है यहाँ के लोग जो है यहाँ पर माइग्रेशन नहीं हुई, यहाँ पर क्या बोलते हैं जी मास किलिंग की, खास करके मेरे तीन जिला जो है कितनी किलिंग हुई थी आपको पता, हजारों कितनी गिने हैं। रोना आता है जब हम शुरू करते हैं इस बात का, रोना आता है इन लोगों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बच्चों देर आए गुस्ता है, आज भारतीय यानी कि हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर जी ने, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का हाईकमांड 24 घंटे इस पर लड़ाई लड़ता रहा, जिसके परिणाम आज जो है इनको 4000 रुपये सैलरी। पर रजौरी जो आतंकी घटना के बाद ही आज हर जो विपक्षी दल है वो भी यही कह रहे हैं और सत्ता पक्ष भी यही कह रहे हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन भी ये कह रही है कि अगर बीडीसी को मजबूत किया गया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो कहीं ना कहीं चूक तो ही है, बीडीसी को कमजोर किया गया है। बिल्कुल ध्यान देखो पता क्या है, मैं आपको एक बात बोलती कि आज ही ये बात हुई तो मैं बोलूँ थी आपने सेल में सुन लिया जी। इस किस्म की बातें जो है जम्मू कश्मीर के अंदर होती रही। हम एक तरफ से हम सुरक्षा की बात, हमने कभी भी ऐसी बात नहीं की, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसी बात नहीं करती है। एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।